गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे 11th जून 2020, दिस इज़ फॉर क्लास 6th सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। द फर्स्ट सेट इज ट्रांसलेशन ऑफ थर्ड पार्ट इनटू हिंदी, रीड एंड ट्रांसलेट विद हेल्प ऑफ वीडियो। लेट्स स्टार्ट। क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन एज, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला का विकास, क्राफ्ट तथा शिल्प कला। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, अधिकतर जो उपकरण थे, फाउंड बाय जो कि पाए गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता द्वारा इन हड़प्पा में आर मेड ऑफ स्टोन, किसके बने? स्टोन पत्थर के, सेल कवच के एंड मेटल धातु के, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, मतलब कि धातु में कौन कौन सी धातुएं शामिल है? कॉपर, तांबा, ब्रॉन्ज, कांसा, गोल्ड, सोना एंड सिल्वर, चांदी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तांबा और कांसा पर यूज इस्तेमाल किए जाते थे टू मेक टूल्स, औजार, वेपन्स, हथियार, ऑर्नामेंट्स, उपकरण, वेसल्स, बर्तन बनाने के इस्तेमाल किए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी हेल्प टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, बर्तन और आभूषण बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे या सहायता करते थे। एंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर, और सबसे मुख्य या शानदार फाइंड्स, खोज आर थी दोज ऑफ, वो थी क्या? बीड्स, मोती, वेड्स एंड ब्लेड्स, वेड्स ये वजनदार और ब्लेड्स धारदार हथियार जैसे कि तलवार, ये थी। टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा फिगर्स मतलब मिट्टी की जो आकृतियाँ थी, मेड ऑफ बर्नट के लिए जो कि जली हुई मिट्टी से बनाई गई थी, वर जनरली उनमें प्राय क्या था? आइडोल्स, मूर्तियाँ ऑफ गॉडेस एंड गॉड्स, देवी और देवताओं की मूर्तियाँ। द हड़प्पन्स, हड़प्पा के जो लोग थे, एवन मेड सील्स, उन्होंने मोहरे बनाई आउट ऑफ स्टोन, पत्थर की। सील्स आर नॉर्मली रेक्टेंगुलर, मोहरे कैसी थी? साधारणतः रेक्टेंगुलर, आयताकार, एंड जनरली और प्राय हैड एन एनिमल कार्ड ऑन देम, उन पर जानवर की नक्काशी की जाती थी। द हड़प्पन्स एवन मेड पॉट्स, हड़प्पा निवासियों ने बर्तन भी बनाए विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, सुंदर काले नक्शे की रचना के। ट्रेस ऑफ कॉटन, कपास के अवशेष ग्रोथ इज फाउंड पाए गए इन मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स अगो, लगभग 7000 साल पहले। पीसीज ऑफ एक्चुअल क्लॉथ, वास्तविक कपड़े के टुकड़े हैव बीन फाउंड पाए गए हैं अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर, जिन पर की परत चढ़ी गई है ऑफ सिल्वर, अटैच टू द लिड जो कि ढके हुए हैं सिल्वर की एक परत से। वेस अलोंग विद सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो, और वेस फूलदान अलोंग विद सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि कुछ तांबे के ऑब्जेक्ट्स, भाई वेस अलोंग विद सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो, जिसमें कि कुछ तांबे की वस्तुएं भी हैं जो कि मोहनजोदड़ो में मिली हैं। देखिए तो पीस ऑफ एक्चुअल क्लॉथ, वास्तविक कपड़े के टुकड़े हैव बीन फाउंड पाए गए हैं अटैच टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस, अटैच्ड जुड़े हुए टू द लिड ढक्कन के ऑफ ए सिल्वर वेस, एक चांदी के फूलदान के अलोंग विद, उसमें और भी कुछ मिला है, सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स कुछ तांबे की वस्तुएं एट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता आल्सो लोकेटेड स्पिंडल होर मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस, पुरातत्ववेत्ताओं ने और भी चीज़ दर्शाई है जैसे कि स्पिंडल, धुरी, होल एक चक्राकार गोल छल्ला मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस, जो कि टेराकोटा और फायंस से बना हुआ है। टेराकोटा एक मिट्टी होती है एक प्रकार की, फायंस, फायंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, फायंस एक सामग्री जो कि कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है। इट वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, इट वाज यूज्ड या इस्तेमाल की जाती है टू मेक बीड्स, मोती बनाने के लिए, बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के लिए, ईयर रिंग, उंगली की अंगूठी, एंड टिनी वेसल, छोटे बर्तन बनाने के लिए। दीज ये हेल्प्ड, सहायता करते टू स्पिन, घुमाने में थ्रेड धागे को। मोस्ट ऑफ द आइटम्स, अधिकतर आइटम्स उपकरण प्रोड्यूस्ड वर, उत्पन्न किए जाते थे परहैप्स शायद द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों के काम के द्वारा। ए स्पेशलिस्ट एक विशेषज्ञ, इज ए पर्सन एक आदमी होता है ट्रेंड जिसको प्रशिक्षण दिया जाता है टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, एक प्रकार का काम करने का, लाइक कटिंग स्टोन जैसे कि पत्थर काटना, स्पेशल वर्क हो गया किसी को, और पॉलिशिंग बीड्स मोतियों को संवारना, और कार्विंग सील्स नक्काशी करना, मोहरों की नक्काशी करना। प्रोबेबली संभवतः सम मैन, वुमेन एंड मैन वर स्पेशलिस्ट, कुछ औरतें और आदमी स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ थे। सील एंड सीलिंग्स, मोहर और मोहरबंदी। सील में हैव बीन यूज्ड, मोहर का इस्तेमाल किया जाता था टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स, बैग और पैकेट पर स्टैम्प लगाने के लिए। कंटेनिंग गुड्स, जिनमें की वस्तुएं होती थी, दैट वर सेंट, जो कि भेजी जाती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। आफ्टर ए लॉन्ग ए बैग, आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज्ड, एक बैग को बंद करने के बाद और टाइट बांधने के बाद, ए लेयर ऑफ वेट के लिए गिली मिट्टी की परत वॉज अप्लाइड ऑन द नोट
एंड द सील वाज प्रेशर ऑन इट, क्या किया जाता था, देखिए कि आफ्टर ए बैग वाज क्लोज, जब एक बैग को बंद किया जाता था बंद करने के बाद और टाइड या बांधने के बाद, ए लेयर ऑफ वेट के लिए गीली मिट्टी एक परत वाज अप्लाइड ऑन द नोट, जो गांठ होती थी उस पर लगा दी जाती थी, एंड द सील वाज प्रेशर ऑन इट, और इस पर सील दबा दी जाती थी मिट्टी के ऊपर। द इम्प्रेशन ऑफ द सील, सील का प्रभाव इज नोन एज सीलिंग, क्या कहा जाता है, सीलिंग, मोहरबंदी या सीलबंदी। सीलिंग वाज इंटैक्ट, वन कुड बी श्योर दैट गुड हैड अराइव्ड सेफली, सीलिंग मोहरबंदी से वाज इंटैक्ट वो क्या थी, संपूर्ण सही सलामत थी, उससे पता लगता था, वन कुड श्योर, एक को विश्वास हो जाता था दैट की द गुड्स है अराइव्ड सेफली, की जो वस्तु है वो सुरक्षा से आई है। गेटिंग इन रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री प्राप्त करना, रॉ मटेरियल्स कच्ची सामग्री, वर फाउंड नेचुरली, प्राकृतिक रूप से मिलती थी, लाइक वुड जैसे कि लकड़ी, और ओर्स कच्ची धातु, ऑर्स ऑफ मेटल्स मतलब कच्ची धातु, और प्रोड्यूस और पैदा की जाती थी बाय फार्मर्स किसानों के द्वारा, एंड हर्डर चरवाहों के द्वारा, दीज वर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस, दीज वर ये थी प्रोसेस्ड प्रक्रिया के द्वारा टू प्रोड्यूस पैदा की जाती थी फिनिश्ड गुड्स निर्मित वस्तुएं, इनसे क्या किया जाता था, कच्ची वस्तुएं से वस्तुएं निर्मित की जाती थी कच्चे माल से। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखिए क्या कहता कि पहले कच्चा माल प्राप्त किया जाता था उससे फिनिश्ड गुड्स वस्तुएं निर्मित की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कॉटन इज ए रॉ मटेरियल, कॉटन कपास एक कच्ची सामग्री है, विच इज प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, जिससे क्या बना जाता है, कपड़ा। वाइल मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, जबकि अधिकतर जो कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री, दैट द हड़प्पन यूज्ड, जिसको कि हड़प्पा के निवासी इस्तेमाल करते थे, वर अवेलेबल लोकली, उपलब्ध हो जाती थी लोकली स्थानीय रूप से, सेवरल आइटम्स बहुत से आइटम सच एज कॉपर जैसे कि तांबा, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन मूल्यवान पत्थर, वर ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, दूर के स्थानों से लाए जाते थे। द हड़प्पन्स पेरहैप्स गोट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान और फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, कॉपर शायद कहाँ से मिलता, देखिए राजस्थान से, और फ्रॉम ओमान, ओमान से इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में ओमान से। टिन विच हैड बीन मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टिन जिसको कि कॉपर के साथ मिलाकर ब्रॉन्ज कांसा बनाया जाता था, माइट हैव बीन ब्रॉट, लाया जाता था फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, इस समय अफगानिस्तान या ईरान नामक जगह से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, सोना प्रेजेंट कहाँ, कर्नाटका से, एंड प्रीशियस स्टोन मूल्यवान पत्थर फ्रॉम गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान, गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान से। फूड सिक्योरिटी इन हड़प्पा, खाद्य सुरक्षा हड़प्पा में, पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड मोस्टली ग्रो क्रॉप्स, लोग जो कि गाँव में रहते थे ग्रो उगाते थे क्रॉप्स, फसलें एंड रेयर एनिमल्स, और जानवर पालते थे। द फार्मर्स एंड हर्डर्स किसान और चरवाहे यूज टू सप्लाई फूड, भोजन की सप्लाई करते थे, पूर्ति करते थे, टू क्राफ्ट पर्सन शिल्पकारों को, स्क्राइब्स लिपिकों को, एंड रूलर शासकों को इन द सिटी शहर में। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स पौधों के अवशेष शो दिखाते हैं दैट की द हड़प्पन्स ग्रू, हड़प्पा के लोग उगाते थे वीट अनाज, बारले जो पल्सिस, दालें पीज, मटर राइस, चावल, सीसेम, तिल, लिनसीड, अलसी एंड मस्टर्ड, सरसों। ए टूल कॉल्ड फ्लो, जोतने का एक औजार, वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ, इस्तेमाल किया जाता था डिग खोदने के लिए द अर्थ, खेती को, फॉर टर्निंग द सॉइल, मिट्टी में बदलने के लिए, एंड प्लांटिंग सीड्स, बीज बोने के लिए। रियल प्लो, वास्तविक जुताई, मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, रियल प्लो वास्तविक जुताई मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़ी से की जाती थी, हैव नॉट सर्वाइव्ड, वो अस्तित्व में नहीं है। टॉय मॉडल्स, खिलौनों के मॉडल, हैव बीन फाउंड, हो भी पाए गए हैं। सिंस दिस रीजन डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल्स, इस क्षेत्र में डिड नॉट रिसीव, प्राप्त नहीं होती थी हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक बारिश। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इरीगेशन, सिंचाई के अनेक रूप, इरीगेशन सिंचाई के अनुरूप अनेक रूप पर यूज इस्तेमाल किए जाते थे। दस इस प्रकार वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड, पानी को भंडारित किया जाता था एंड सप्लाइड भेजा जाता था टू द फील्ड, खेतों में, वहन जब द प्लांट्स वर ग्रोइंग, पौधे उगाए जाते थे। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, मवेशी पालते थे हड़प्पा के लोग, सीप, भेड़, गोट, बकरी एंड बफेलो, भैंस। वाटर एंड पास्चर, पानी और चारागाह, वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, बस्तियों के चारों तरफ उपलब्ध थे। बट इन ड्राई समर मंथ, लेकिन गर्मियों के सूखे महीनों में, लार्ज हर्ड्स, बड़े झुंड ऑफ एनिमल्स, जानवरों के,
वर पेरेप्स टेकन टू लॉन्ग डिस्टेंस, उनको शायद दूर ले जाया जाता था इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, घास और पानी की तलाश में। दे एवन कलेक्टेड फ्रूट्स, वे फल भी इकट्ठा करते थे लाइक बेर, कॉटफिश मछली पकड़ते थे, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों का शिकार करते थे लाइक द एंटलोप, जैसे कि हिरण या बारहसिंगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ड्यूरिंग हरप्पन एज, हड़प्पा काल में राजस्थान एंड सिंध वर नॉट डिजर्ट, राजस्थान और सिंध रेगिस्तान नहीं थे एज दर टूडे, जैसे कि वे आज हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट दे वर ग्रीन एंड फॉरेस्टेड एरियाज, वे उस समय हरे और जंगली क्षेत्र थे। थैंक यू।